रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंकित कोरिया में काम के सिलसिले से गया था और उस दौरान अंकित की मुलाकात एक कोरियन लड़की सोहा से होती है। अंकित को वो पहले ही मुलाकात में काफी ज्यादा अच्छी लगने लगती है। सोहा को भी अंकित काफी पसंद आता है। सोहा को वैसे तो हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन अंकित के साथ काफी समय गुजारने के बाद सोहा को थोड़ी थोड़ी हिंदी समझ आने लगती है और वो हिंदी सीख लेती है। अंकित और सोहा वहाँ से कोरिया में शादी भी कर लेते हैं और शादी के कुछ दिनों बाद अंकित अपना काम खत्म करके वापस से इंडिया में अपनी कोरियन बीवी सोहा को लेकर आता है और अपनी माँ रमा से मिलवाता है। सोहा रमा से कहती है, अन्योहासयो। ये क्या बोल रही है? अपनी भाषा में मुझे कुछ गलत तो नहीं बोल रही ना? नमस्ते माँ जी, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ। इसे तो हिंदी भी आती है। बेटा, कहाँ से इस चीनी लड़की को ले आया तू? जब वापस छोड़ कर आ। माँ, ये चीनी लड़की नहीं है, ये कोरियन लड़की है और इसका नाम सोहा है। सोहा? ये कैसा नाम हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई खाने का नाम बता रहा है तू। माँ, मैंने सोहा से शादी की है, ये आपकी बहू है, मैं इसे कोरिया में ही मिला था। अंकित बेटा, एक बात तो बता, ये कोरिया के लोगों को जादू टोना करना आता है क्या? नहीं तो माँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? अरे, जब कोई जादू टोना नहीं किया तो तूने इसे शादी कैसे कर ली? भारत की लड़कियाँ क्या मर गई थी? आनी मिदा। अरे, पहले तो इसे बोल के मुझसे सीधी सरल हिंदी भाषा में बात करे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे, क्या बड़बड़ करे जा रही है तू, बोल ना इसे। माँ जी, मैं आपको मना कर रही हूँ कि हिंदुस्तान की लड़कियाँ नहीं मरी है। पता नहीं कैसी कोरियन बहू ले आया है, आस पड़ोस के लोगों को पता लगेगा तो सब मेरा ही मजाक बनाएंगे। शादी करने से पहले एक बार पूछना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा तूने तो। माँ, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे लगा कि आप समझ जाओगी, इसीलिए नहीं बताया। और आप मेरा यकीन करो, आपको सोहा बहुत पसंद आएगी। शादी करने से पहले तू मेरा यकीन कर लेता तो मैं तेरे लिए इससे भी अच्छी लड़की लाती। माँ, अब तो शादी हो चुकी है ना, अब कोसने का क्या फायदा, आपकी बहू है ये। आप क्या ही कर सकते हैं, बहू आई है तो स्वागत तो करना ही पड़ेगा ना, बहू की पहली रसोई होती है, बता दे इसे, खुद तो कुछ पता नहीं होगा इसको। माँ जी, अंकित जी ने मुझे पहले ही सब बता दिया था, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए रसोई में खाना बना कर आती हूँ। सोहा रसोई में अपनी पहली रसोई का खाना बनाने जाती है, लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जो सोहा बना सकती, इसीलिए वो अपने बैग से कोरियन किमची और तिबोकी बना कर लाती है और खाने की टेबल पर लगा देती है। थोड़ी देर में वहाँ अंकित और रमा आ जाते हैं और ये सब देखकर रमा कहती है, ये क्या है, खाना बनाने को बोला था मैंने इसे, इसने ये क्या बना कर रख दिया। माँ जी, ये खाना ही है, मैंने कोरिया की डिश बनाई है टोकबोकी, और ये है कैबेज किमची। अब ये चिमची क्या होता है, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना इसके बारे में। माँ, ये चिमची नहीं होता, किमची मतलब जैसे हमारे में अचार होता है ना, वैसे ये पत्ता गोभी का अचार है, ये कोरिया में बहुत ही फेमस होता है। अच्छा, और ये दूसरी चीज क्या है? ये टिकबोकी, ये चावल के आटे की डिश है, ये सवाल बाद में करना, पहले खाकर बताओ कैसा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना ये टिकबोकी और किमची, देखने में ये अजीब लग रहा है, तो खाने में कैसा होगा? माँ जी, ट्राई इट ना। अंकित, पहले तो अपनी बीवी को ये समझा दे, ना ही मुझसे ये इंग्लिश में बात करे और ना ही अपनी भाषा में, मुझसे बस ये हिंदी में ही बात करे, मुझे और कुछ समझ नहीं आता ये क्या बोल रही है। ठीक है माँ, लेकिन सोहा को अच्छे से हिंदी नहीं आती है, लेकिन आपके लिए अब वो हिंदी में ही बात करेगी, आप एक बार अपनी कोरियन बहू की रसोई में बना खाना खाकर तो देखो। ठीक है, तो इतना बोल रहा है तो खा लेती हूँ। रमा जैसे ही सोहा का बनाया हुआ खाना खाती है, रमा को बहुत पसंद आता है और वो बोलती है, अरे वाह, आज से पहले किसी भी चीज में ऐसा स्वाद नहीं मिला, बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। मैं बोल रहा था ना आपको, सोहा की रसोई का खाना बहुत पसंद आएगा। हाँ हाँ, ठीक है, बहू पसंद नहीं आई तो क्या हुआ, कोरियन बहू की रसोई का खाना तो पसंद आया ना। कमसा हमीदा, तूने समझाया नहीं अभी तक अपनी कोरियन बीवी को। अरे माँ, वो आपको कोरियन भाषा में थैंक यू बोल रही है, आपने उसके खाने की तारीफ जो की है। धन्यवाद माँ जी। हाँ, अब ठीक है, वैसे सही है, आस पड़ोस में किसी की भी कोरियन बहू नहीं होगी। रमा को अपनी बहू तो पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसकी पहली रसोई का खाना खाते ही रमा की अपनी बहू के लिए थोड़ी राय तो बदल ही गई थी। अब घर में कोरियन बहू आई थी तो रसोई भी तो कोरियन ही होनी थी। सोहा हमेशा ही कोरियन खाना बनाती,
जो रमा को भी काफी अच्छा लगता और वो बड़े मजे से खाती। कुछ दिनों बाद रमा की पड़ोसन भारती उसके घर आती है और रमा से कहती है, अरे रमा, मैंने सुना है तेरा बेटा बाहर देश से बहू लाया है, सच है क्या ये बात? हाँ हाँ बिल्कुल सच है, मेरा बेटा कोरियन बहू लाया है और तू मेरी कोरियन बहू की रसोई का खाना खा लेगी तो तू भी बोलेगी कि बहू हो तो रमा की तरह ही हो। अच्छा ऐसी बात है तो जरा अपनी बहू को बुला तो सही, मैं भी तो देखूँ तेरी बहू को। भारती के बोलने पर रमा अपनी बहू को बुलाती है और अपनी बहू से कहती है, सुहू बहू इनसे मिल, यह भारती पड़ोस में ही रहती है। माँ जी मेरा नाम सुहू नहीं सोहा है। हाँ हाँ वही बात है, अन्योंगहासयो। ये क्या बोले जा रही है, तूने सही नाम बोल भी दिया तब भी तुझे उल्टा बोल रही है। अरे नहीं नहीं ये कुछ गलत नहीं बोल रही, बल्कि ये तुझे अपनी भाषा में नमस्ते कर रही है। अच्छा अपनी बहू से बोल तो जरा कुछ चाय पानी लेकर आए, मैं भी तो देखूं जरा कोरियन बहू की रसोई। जी रुकिए मैं अभी कुछ अच्छा सा लाती हूँ। सोहा वहाँ से जाती है और अपने कोरियन अंदाज में रामयोन और फ्रूट ड्रिंक लेकर आती है। ये देखकर भारती कहती है, ये तो मैगी ले आई तेरी बहू, तू तो बोल रही थी कोरियन खाना बनाती है। आंटी जी ये रामयोन है मैगी नहीं, और ये लो चॉपस्टिक से खाओ। नहीं नहीं मैं लकड़ी से नहीं खा सकती, मैं तो चम्मच से ही खाऊंगी, लकड़ी से कौन खा सकता है भला। हाँ बहू इसे ये लकड़ी मत दे, जा रसोई से चम्मच ले आ। सोहा रसोई से चम्मच लेकर आती है और दोनों को देती है। जैसे ही भारती रामयोन और फ्रूट ड्रिंक पीती है वो भारती को बहुत पसंद आती है और भारती कहती है, अरे वारमा सच में तेरी कोरियन बहू की रसोई तो लाजवाब है, बहुत ही अच्छा बनाया है। मैं बोल रही थी ना तुझे कि मेरी कोरियन बहू की रसोई का खाना खाकर देखेगी तो सब भूल जाएगी। बात तो तेरी बिल्कुल सही थी, मुझे लगा ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना अच्छा बनाती है, तुझे तो घर बैठे बैठे कोरियन बहू मिल गई। धन्यवाद आंटी जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया। बस कोरियन बहू की रसोई ही अच्छी है, बहू को ज्यादा खास नहीं लगी मुझे। क्यों तू ऐसे क्यों बोल रही है? बस ऐसे ही मुझे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी, वो तो कोरियन बहू की रसोई का खाना मिल जाता है इसलिए ठीक ही है, बाकी कुछ खास नहीं है। जैसी तेरी सोच, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। वैसे सोहा बेटा एक टिफिन में जरा मेरे घर के भी दे दे, मैं अपनी बहू को बोलूंगी वो भी बनाना सीख ले। रमा को अपनी कोरियन बहू खास ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन अपनी कोरियन बहू की रसोई बहुत पसंद थी। वो पूरे मोहल्ले में बहुत ही जल्द कोरियन बहू की रसोई को भी फेमस कर देती है। सभी लोग आ आकर रमा की बहू की खूब तारीफ करते। रमा को भी खुशी बहुत थी, लेकिन वो फिर भी अपनी बहू को दिल से नहीं स्वीकार रही थी। कुछ दिनों बाद रमा की बहन लता उसके घर आती है और सोहा उसके लिए कोरियन खाना लाती है। वो खाकर लता कहती है, आय हाय ये क्या खाना है, ना खाने में अच्छा और ना ही देखने में अच्छा। दीदी थोड़ा सोच संभल कर बोलो, मेरी बहू यही खड़ी है उसे बुरा ना लगे। क्या बुरा भला सोच रही है, तेरी पसंद की बहू नहीं है, ऊपर से ये रसोई भी कोरियन कर दी इसने। माफ कीजिए मैं आप सभी के लिए आपकी पसंद का खाना बना देती हूँ। नहीं बहू तुझे कुछ नहीं बनाना, तेरी रसोई में कोरियन ही खाना अच्छा लगता है जो हमें भी पसंद है। और दीदी आप मेरी बहू के बारे में कुछ भी मत बोलो। रमा अपनी बहन के आगे अपनी बहू की तरफदारी करती है और उसे चुप करवा देती है। रमा अपनी कोरियन बहू और कोरियन बहू की रसोई के साथ बहुत खुश जो थी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।